क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गुस्सैल जानवर कौन सा है? कौन सा जानवर है जो इतना एग्रेसिव है कि किसी पर भी हमला कर देता है? इस जानवर को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और कौन है वो कुत्ते के साइज का जानवर जिससे शेर और अजगर जैसे खतरनाक जानवर भी डरते हैं? तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे अग्रेसिव जानवरों से, जो बिना किसी कारण के भी दूसरे जानवरों पर हमला कर देते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पाइन मार्टिन। दोस्तों, ये जानवर आपको क्यूट लग सकता है और आसान शिकार भी, लेकिन आपको बता दें कि मार्टिन बड़े जानवरों का सबसे शातिर और नन्हा हथियारा है। पाइन मार्टिन विसेल की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला कैट साइज का एनिमल है, जिनका लंबा शरीर भूरे रंग की फर से ढका रहता है। इसकी गर्दन के पास क्रीमी येलो पैच होता है। मार्टिन खाने में पक्षी, अंडे, फल और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है। अक्सर मार्टिन को अपने से बड़े जानवरों का शिकार करते देखा जाता है। सुनने में ये आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब हम इसकी हंटिंग स्किल्स, फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं तो समझ में आता है कि अपने से 2-3 गुना बड़े आकार के जानवर को भी ये कैसे मार गिराता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उन जानवरों को भी हमला कर देता है कि जिनको ये अपना भोजन नहीं बनाता। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मार्टिन बहुत ही तेजी से एक हिरण का पीछा कर रहा है, जबकि वो जानता है कि वो इस हिरण को नहीं खा पाएगा, लेकिन फिर भी मार्टिन इस हिरण पर हमला करता है। हिरण इस खेलकूद भरे गेम को देखते हुए समझ नहीं पाया कि आखिर में उसकी मौत हो जाएगी। जंगल की दुनिया में जीना आसान नहीं है, खास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। कदम कदम पर खतरा आपके इंतजार में रहता है, लेकिन अगर आपकी सूझबूझ और फुर्ती काम करती है तो जंगल में आप अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ मार्टिन ने जंगल में घूम रहे बंदर पर हमला कर दिया, जबकि ये बंदर समझ नहीं पाया कि छोटा सा जानवर उसको इतना नुकसान पहुँचा सकता है। इस हमले में बंदर ने अपनी जान भी गंवा दी। मार्टिन जानवर को आज से आप क्यूटनेस के साथ साथ बहुत खतरनाक जानवर के रूप में भी जानेंगे। नंबर 2, हनी बैजर। जो किसी भी शिकारी को धूल चटाने की ताकत रखता है, कई बार तो ये इतना खतरनाक साबित होता है कि शेर जैसा शिकारी भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आम तौर पर हनी बैजर को देखने के बाद लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि ये शांत और सरल स्वभाव का जानवर है, लेकिन जब उनके सामने इसकी असलियत आती है तो उनकी राय बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि ये वो शिकारी जानवर है जिसे सबसे गुस्सैल जानवरों में से एक माना जाता है। हनी बैजर के शरीर का आकार भले ही किसी छोटे कुत्ते या बिल्ली जितना हो, लेकिन जब यह आक्रामक रूप दिखाता है तो जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को भी मौत के घाट उतार देता है। यहाँ एक अजगर ने एक हनी बैजर को शिकार के रूप में पकड़ रखा है, लेकिन अजगर नहीं जानता है कि उसने शिकार नहीं बल्कि अपनी मौत को जकड़ रखा है। हनी बैजर ने बड़ी ही आसानी से और चालाकी के साथ अपने आप को अजगर की पकड़ से बचा लिया और पलटकर हनी बैजर ने अजगर पर ही हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। हनी बैजर के इस जानलेवा हमले में अजगर की मौत हो जाती है। वहां पर मौजूद सियार की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह हनी बैजर के जबड़े से इस शिकार को छुड़ा सके। हनी बैजर अकेला ही 3-4 सियारों पर भारी पड़ रहा है और आखिरकार हनी बैजर की जीत होती है और वह अजगर को खींच कर ले जाता है। नंबर 3, ज़ेब्रा। गुस्सा केवल शेर, चीता या फिर बाघ में ही नहीं पाया जाता, बल्कि उनके सबसे लजीज शिकार ज़ेब्रा में भी पाया जाता है। अपनी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स के लिए मशहूर ज़ेब्रा घास खाने वाले जानवर जरूर हैं, लेकिन इनकी रगों में भी गुस्सा कूट कूट कर भरा होता है। बात चाहे दुश्मन से भिड़ने की हो या फिर अपनी जान बचाने की, ज़ेब्रा किसी भी हद तक जा सकता है। केवल एक पावरफुल किक से वो शेर को मिट्टी में मिला सकता है। क्या हो अगर ज़ेब्रा का सामना किसी मगरमच्छ से होता है, तो उस कंडीशन में ज़ेब्रा कैसे अपनी जान बचाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ जब ज़ेब्रा रिवर क्रॉस कर रहा था तभी उसे एक क्रोकोडाइल पकड़ लेता है, लेकिन ज़ेब्रा यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और मगरमच्छ की गर्दन पर जोरदार बाइट मार देता है। आमतौर पर मुर्गियाँ गुस्सैल नहीं होती, लेकिन अगर उनके परिवार पर आ जाती है तो किसी को भी नहीं बख्शती है। यहाँ पर एक बाज ने मुर्गियों के बच्चों पर हमला कर दिया है, जिस वजह से मुर्गी इतनी भड़क जाती है कि ईगल पर एक के बाद एक पावरफुल वार करती है।
इतनी जबरदस्त कुटाई के बाद ईगल धराशायी हो जाता है। शायद ईगल ने इतनी अग्रेसिव मुर्गी पहली बार अपनी लाइफ में देखी होगी। आगे से ईगल ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।